ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब समझते हैं, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब होता है लवेबल या लविंग, वाटर को चाहने वाला, जो पानी को पसंद करता हो, पानी में रह सकता हो, उसको क्या कहते हैं, फॉस्फेट, ये ऊपर वाला हेड पार्ट। और लिपिड आप जानते हैं कि कभी भी तेल पानी में नहीं मिल सकता है, आप तेल पानी में डालेंगे तो अलग ही हो जाएगा, वो वाटर को नहीं चाहता है, वाटर से फोबिक है, वाटर से डरता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। लिपिड क्या है, हाइड्रो, लिपिड क्या है, हाइड्रो, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक ये एक लिपिड है और लिपिड बाइलेयर होती है। बाइल मतलब होता है दो, जहां बाई लगा हो उसका मतलब होता है दो। लिपिड जो ये फॉस्फोलिपिड है, सेल मेम्ब्रेन आप लिख सकते हो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, यहां लिख सकते हो बाइलेयर। बाई मतलब दो, लेयर मतलब दो लेयर, तो फॉस्फोलिपिड का दो लेयर एक के बाद एक जो आपस में जुड़े रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ये सिंगल सेल है एक लेयर का, ये सिंगल मॉलिक्यूल है एक लेयर का। अब ये कैसे जुड़े होते हैं और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसे होते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये जो फॉस्फोलिपिड है ये इस मेम्ब्रेन का एक मॉलिक्यूल है, इस मेम्ब्रेन का एक मॉलिक्यूल है। अब अगर ये जो रो है ये बाई लेयर होती है, एक ये वाली लेयर होगी, एक ये वाली लेयर होगी, डबल लेयर होगी, ये बाई लेयर हो गया। ये सेटल कैसे होते हैं, मैं इधर बना रहा हूं। अच्छा एक बात और यहां आप जानेंगे, तो यहां वाटर है, मैंने बताया कौन सा वाटर, साइटोप्लाज्म, यहां क्या है, साइटोप्लाज्म है, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर वाटर, इंट्रासेलुलर फ्लूड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर फ्लूड। और सेल के बाहर भी फ्लूड होता है, सेल के अंदर भी फ्लूड है, मतलब मेम्ब्रेन के इस साइड भी फ्लूड है, मेम्ब्रेन के इस साइड भी फ्लूड है, मेम्ब्रेन के बाहर भी फ्लूड है, वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। सेल के अंदर जो हो इंट्रा सेलुलर, सेल के बाहर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये है मेम्ब्रेन, बीच में दीवार। अब ये क्या है, वाटर है, तो बाइलेयर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो एक लेयर की लाइन, ये जो सेल, ये जो मॉलिक्यूल है ये बाहर की लाइन बनाएगी, ये बाहर की एक लाइन बनाएगी और अंदर की भी एक लाइन बनाएगी। अगर बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है तो आपको आपको क्या लगता है, कौन सा पार्ट पानी की तरफ होना चाहिए, दोनों दोनों में, एक है लिपिड एक है फॉस्फेट, कौन सा, लेफ्ट साइड पानी में होना चाहिए, लेकिन पानी से तो हाइड्रोफोबिक है, फॉस्फेट होना चाहिए, फॉस्फेट होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें आउटर लिपिड मेम्ब्रेन की, ये आउटर हो गया, ये हो गया इनर, दो लिपिड मेम्ब्रेन हम लोग हैं, बाई लेयर पे हैं। हम लोग आउटर लिपिड मेम्ब्रेन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये बाहर की तरफ होना चाहिए या लेग अंदर या लेग बाहर की तरफ होना चाहिए,
देखो हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी अपने मेम्ब्रेन के साथ, हमें अपने मेम्ब्रेन को वैसा सेट करना है जैसे उनको पसंद है। समझ आ रहा है? अब सोचिए कि अगर बाहर पानी है और आपको पता है कि ये पानी पसंद करता है और ये पानी पसंद नहीं करता है, तो आप क्या चाहोगे कि ये वाला बाहर रहे या अंदर रहे? बाहर रहे, बाहर रहे, सीधी सी बात। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अब आते हैं इनर लेयर पे। अब इनर लेयर पे आप, इनर लेयर में आप जानते हैं कि बीच में तो पानी नहीं लेकिन अंदर पानी है, तो अब अपने मेम्ब्रेन को क्या करोगे, इस फॉस्फोलिपिड को क्या करोगे, इसको अंदर, इसका हेड अंदर रखोगे या बाहर रखोगे? हेड अंदर करोगे, क्योंकि आप अपने लिपिड मेम्ब्रेन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं, उसको जैसे पसंद है वैसे सेटअप करना चाहते हैं। तो अब आपके दिमाग में चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर, बाइलेयर स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं यहां बना रहा हूं, ये सेल है और एक पार्ट का हम लोग बाइलेयर बनाएंगे और होता सेम है। ये हो गया हेड, 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 ये हो गया आउटर। और फिर इस, फिर क्या हुआ, इसके, इसका लिपिड, ये फॉस्फेट है और ये लिपिड है, ये लिपिड है, और हम लोग क्या बना रहे हैं, मेम्ब्रेन। अब आप देखोगे आउटर जो इसका हेड है वो आउटसाइड है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, पानी से मिल सकता है आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरनली लिपिड, इंटरनल भी वाटर फिलिंग है, तो लिपिड फोबिक है वाटर से। तो हुआ एक बाइलेयर और बना, बाइलेयर मतलब दूसरा लेयर बना, नीचे भी सेम का सेम लेयर बना, और इसमें लिपिड अंदर की तरफ आया। कुछ ऐसा ये एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आप देखोगे आउटर फॉस्फेट लेयर है, इनर फॉस्फेट लेयर है, लेकिन बीच में क्या है, लिपिड लेयर, बीच में क्या है, लिपिड लेयर। ये दोनों लिपिड आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे एक एक ड्रॉप ऑयल का डाले और दूसरा ड्रॉप ऑयल का उसी में डाल दें, तो दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। वैसे ही ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। दो दो बाइलेयर होने का एक मतलब और भी है कि ये रप्चर ना होने पाए, जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर ना होने पाए। कैसे रप्चर? एक सिंपल थॉट है कि जो फॉस्फेट है ये वाटर लविंग है, वाटर इसको पसंद है, तो ऐसा ना हो। अब अगर इसको वाटर पसंद है तो बाहर वाटर ज़्यादा है और इधर लिपिड है, इसको लिपिड नहीं पसंद है, तो हो सकता था कि ये वाटर को पसंद करते करते वाटर की तरफ ज़्यादा खींच जाए और मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन बाहर की तरफ खींचे, और हो सकता है शुरू शुरू में खींचता भी हो तो नेचर ने फिर से रिक्रिएट किया होगा, और खींच कर हो सकता है सेलुलर बर्स्ट हो जाता हो, सेल डैमेज हो जाते हो, तो इसको रिक्रिएट किया गया और अंदर भी सेम डिजाइन लगा दिया गया। अब क्या होता है कि अंदर भी वाटर लविंग है, बाहर भी वाटर लविंग है, तो बाहर वाला अगर वाटर की तरफ खींचता है तो अंदर वाला भी तो वाटर की तरफ खींचता है, इसको भी तो वाटर से प्यार है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते रहते हैं, तो बीच में सेंट्रलाइज होते हैं, कोई किसी को खींच नहीं पाता है, तो बाइलेयर लिपिड मेंटेन रहता है, और बीच में, सॉरी, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन रहता है, और बीच में
लिपिड भरा हुआ है, मतलब ऑयल भरा हुआ है, या कह सकते हो ऑयल भरा हुआ है, लिपिड। ये लिपिड क्या करता है कि बाहर से, अब कोई सब्सटेंस है जो बाहर से अंदर आना चाहता है सेल के अंदर, आप जानते हैं कि बहुत सारे आयंस हैं और फ्लूड है जो बाहर से अंदर आना चाहता है और अंदर से बाहर जाना चाहता है, और आते जाते भी हैं। इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, आते जाते रहते हैं। इनको रोकने का काम करता है लिपिड लेयर, जो बीच में लिपिड है, क्योंकि आर पार वही जा सकता है जो लिपिड सोल्यूबल, जो लिपिड सोल्यूबल, और जो लिपिड सोल्यूबल नहीं है, जो लिपिड में मिक्स नहीं हो सकता है, वो आर पार नहीं जा सकता है। जैसे वाटर सोल्यूबल कंटेंट्स, जो पानी में आराम से घुल जाए, वो इस लिपिड को पार नहीं कर सकते हैं। और जो पानी में आराम से नहीं घुलते हैं, वो तो लिपिड कंटेंट ही होंगे, वो पार कर सकते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम आयन्स हैं, तो सोडियम पोटेशियम आयन हाईली चार्ज्ड आयन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन हैं, और चार्ज आयन लिपिड बाइलेयर को नहीं पार कर सकते हैं। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये वाटर में, जैसे नमक है, तो नमक पानी में घुल जाएगा, और ये इसमें सोल्यूटेड होकर पानी यहाँ फोबिक तक, यहाँ तक तो आ जाएगा फॉस्फेट तक, लेकिन जब लिपिड पहुँचेगा तो लिपिड में नहीं पार हो पाता है, और फिर उसको वापस जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेबल कंटेंट को रोकना, और उनको रोक कर बाहर ही रखना, और अंदर से बाहर की तरफ लोगों को जाने ना देने का काम करता है लिपिड कंटेंट, लिपिड वाला पोर्शन। और और जो ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट बैलेंस बनाता है कि लिपिड को कोई खींच ना पाए इधर से उधर, अंदर वाला बाहर की तरफ ना खींच पाए और बाहर वाला अंदर की तरफ ना खींच पाए। और भी बहुत सारे काम हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट और है, कौन कौन से पॉइंट। अब इसमें बात करते हैं प्रोटीन की, जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन भी इसमें होता है, तो एक तो हो गया फॉस्फेट, एक हो गया लिपिड। अब प्रोटीन का काम क्या है, अब जो आयंस तीन टाइप के लोग यहां से एंटर नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन, कौन कौन से। पहले जो है नॉन लिपिड सोल्यूबल, पहले जो बाहर से अंदर नहीं आ सकते हैं और अंदर से बाहर नहीं जा सकते, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, नॉन सेल लिपिड सोल्यूबल। दूसरे हाईली चार्ज्ड आयन, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन्स हैं, हाईली चार्ज्ड आयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर आयन्स, वो नहीं क्रॉस कर सकते हैं उनको, पोलर आयन क्रॉस नहीं कर सकते हैं, हाईली चार्ज आयन क्रॉस नहीं कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन को। और लार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे प्रोटीन का मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल इस पार से उस पार नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके बीच में उतना बड़ा स्पेस नहीं होता है कि जा पाए, ये उसी में फंस के रह जाते हैं लिपिड में। तो ये तीन टाइप के मॉलिक्यूल ना तो इधर से उधर जा सकते हैं, ना उधर से इधर आ सकते हैं। तो मेम्ब्रेन का काम क्या है कि प्रोटेक्शन करना उन मॉलिक्यूल, इंटरनल एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर को मेंटेनेंस क्रिएट करना। दूसरे ऑर्गेनेल्स की रक्षा करना कि ऑर्गेनेल्स इधर से उधर कहीं ना जाएं, और मॉलिक्यूल्स को जो चाहते हैं वही अंदर आ पाए और जिनको नहीं चाहते हैं वो बाहर ना जा पाए। इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कंट्रोलिंग करते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये जो तीन मॉलिक्यूल मैंने बताए हैं, इनका आना जाना जरूरी भी है। इनका आना जाना जरूरी है या नहीं है,
सोडियम पोटेशियम को ही ले लीजिए, तो सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर आते जाते रहते हैं या नहीं जाते, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर होते हैं, मूव करते रहते हैं, मूव करते हैं, उस मूवमेंट को कराने के लिए प्रोटीन्स हैं। ये किस किस से बने हैं? सेल मेम्ब्रेन के तीन पार्ट कौन कौन से हैं हम लोगों ने जो पढ़ा, एक तो फॉस्फेट, लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन तो हम लोगों ने दो पॉइंट पढ़ा, फिर बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन बनाते हैं वो टनल, वो रास्ते जहां से मॉलिक्यूल आ जा सकते हैं। वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल ये सब होते हैं, जो हाईली चार्ज मॉलिक्यूल हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, जो नॉन लिपिड सोल्युबल है वाटर सोल्युबल होते हैं, जो वो लिपिड में नहीं मिल सकते वाटर में मिल जाते हैं, ये सब वाटर सोल्युबल है। तो अगर इनको तेल में डाल दिया जाए इन मॉलिक्यूल्स को, तो ये उसी में चिपक जाएंगे, ये कुछ नहीं करने वाले। लेकिन अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये तैर कर यहां से वहां पहुंच जाएंगे, मतलब ये वाटर सोल्युबल है, ये वाटर में तैर सकते हैं, तेल में नहीं तैर सकते हैं। तो एक ट्रैक्ट बनाया गया बाहर से अंदर की तरफ, मतलब एक टनल बनाया गया, एक गुफा बनाई गई, एक रास्ता बनाया गया, एक पाथवे बनाया गया कि वहां से बाहर से अंदर की तरफ आ जाए मॉलिक्यूल और अंदर से बाहर की तरफ चले जाए। वो टनल प्रोटीन का बनाया गया, पेप्टाइड के बनाए गए। पेप्टाइड क्या है? प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े। जैसे ये एक पेप्टाइड हो गया, ये दूसरा पेप्टाइड हो गया, ये तीसरा पेप्टाइड हो गया, ये चौथा पेप्टाइड, ये पांचवा पेप्टाइड हो गया और ये छठा पेप्टाइड हो गया, छह पेप्टाइड हो गया। अब ये सारे पेप्टाइड मिलकर एक टनल बना दे, टनल मतलब एक रास्ता बनाए। जैसे यहां अगर हमें सेट करना हो इस पाइप को, ये पाइप हो गया, यहां से एंट्री होगी और बीच का रास्ता खोखला और उसमें पानी भरा, जो खोखला रास्ता है उसमें पानी भरा, इसमें क्या है? पानी फिलिंग है, एक्वायस है, इसमें पानी भरा हुआ है। यहां प्लाज्मा फिलिंग। अब जितने वाटर लविंग मॉलिक्यूल होंगे, अगर यहां सेट करें इसको, तो ये बाहर की तरफ ओपन होगा और ये अंदर की तरफ ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसा। अब ये क्या है? इसके बीच में जैसे यहां आप देख पा रहे हैं, ये प्रोटीन का बना होता है चैनल, ये प्रोटीन चैनल है। चैनल क्या है? रास्ता, गेट। तो ये गेट है, चैनल है। तो ये चैनल है जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में लगा होता है। और ये क्यों लगा है? वाटर सोल्यूबल कंटेंट्स को अंदर से बाहर भेजना और बाहर से अंदर लाना, यहां से यहां लाना और यहां से बाहर ले आना, इन चैनल्स का काम है, ये प्रोटीन का काम है। प्रोटीन क्या करता है? ये चैनल क्या करता है? नॉन लिपिड सोल्यूबल कंटेंट्स को अंदर बाहर भेजता है और हाईली चार्ज्ड मॉलिक्यूल को अंदर बाहर भेजता है, क्योंकि ये वाटर है और वाटर सोल्युबल कंटेंट सारे यहां से आर पार जा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? लार्ज मॉलिक्यूल अंदर बाहर यहां से जा सकते हैं।
क्योंकि ये चैनल वाइड रेंज का चैनल है। जो आउटर लेयर है और इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर, इसमें डिफरेंस होता है, ये सेम नहीं है। ये फॉस्फेट और लिपिड के दोनों बने हैं, लेकिन जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट के कंटेनिंग में प्रॉब्लम है। फिजियोलॉजिकली फॉस्फेट का जो कंटेंट है, जो बेसिक आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है यहाँ के फॉस्फेट का, ये थोड़े थोड़े चेंज होते हैं आउटर लिपिड मेम्ब्रेन के और इनर लिपिड मेम्ब्रेन के। आउटर में कौन सा फॉस्फेट लिपिड मेम्ब्रेन होता है मैं नाम लिखा देता हूँ कि उनका कंटेंट क्या क्या है, इंग्रेडिएंट क्या क्या है। जो बाहरी फॉस्फेट है, आउटर फॉस्फेट है, आउटर फॉस्फेट फॉस्फोडिडाइल फॉस्फो ये किससे बना है, बाहर वाला हम लोग